चलिए अब इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करें लद्दाख के जंस्कार में। कल पद्मश्री अवार्डी सुलतरीम चोजोर का जो है स्वागत किया गया, एक ग्रैंड रिसेप्शन का आयोजन जो है यहां पर किया गया और उनका इस स्वागत में किस तरह से क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया है। और आम जनता की जहां पर बात करें वो भी मौजूद है, क्योंकि सुलतरीम चोजोर की जहां पर बात करें तो इन्हें जो है मांझी मैन जो है वो भी कहा जाता है लद्दाख का। और इसी के साथ साथ जिस तरह से पद्मश्री अवार्ड जो है इन्होंने अपने कामों के लिए जो जिस तरह से पाया है, उसके बाद और क्या कुछ जो है कार्यक्रम रखा गया था, किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया, चलिए इसी पर तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हेल्दन जुड़ चुके हैं। हेल्दन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से सुलतरीम चोजोर का स्वागत संस्कार में किया गया, हम तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख रहे हैं कि जहां पर आम जनता की बात करें, वहां के स्थानीय लोगों की बात करें, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनका स्वागत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया जा रहा है, और किस तरह के कार्यक्रम रखे गए थे? जो थी कुछ दिन पहले दिल्ली में पद्मश्री अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था, तो जंस्कार में भी ग्रैंड रिसेप्शन जो है जंस्कार के आवाम की तरफ से रखा गया था। और ये रिसेप्शन के दौरान हमारे जंस्कार की इसी का खुनचोक तहसील एलएचडीसी करकिल का, और इसमें जंस्कार पुलिस स्टेशन की प्रेसिडेंट पक्का नवांग भी थे, और हर गांव के रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पे उनके डिसीजन भी पे आया था, और इसमें बहुत सारा कल्चर प्रोग्राम भी रखा गया था, और हर गांव में उनको यहाँ हमारे एक ट्रेडिशनल कल्चर होता है कि खटक पहनना, और खटक से भी उनको बहुत हर गांव में सम्मानित किया गया था। जी हेल्दन, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से इन्हें मांझी मैन भी कहा जाता है, क्या कुछ इन्होंने काम जो है वो संस्कार में करवाए हैं? जी, तो आपको ये बता दूं कि जंस्कार से मनाली का रोड जो है सबसे पहले बनाने वाला श्री सुलतरीम चोजोर ही था। इन्होंने दर्चा से लेकर करजक जो है जंस्कार कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और दर्चा जो है मनाली की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहां से यहाँ करजक तक यही सुलतरीम चोजोर जी ने पहली बार रोड बनाया था, वो भी अपने खर्चे पे इन्होंने उसी रोड को लेकर जमीन भेजा, बहुत कुछ इन्होंने सेक्रीफाइस करके इसी रोड को इन्होंने कंप्लीट किया था जंस्कार के आह्वान के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर भव्य स्वागत पद्मश्री अवार्डी सुलतरीम का किया गया और जिस तरह के काम जो है इन्होंने किए हैं, जहाँ पर समाज सेवा की बात आती है तो उस पर भी इन्होंने काफी काम किए हैं, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, और उसके बाद इनके स्वागत में जिस तरह के भव्य कार्यक्रम रखे गए वो भी आप लोगों ने तस्वीरों में देखे।